ये हम अपने देखने वालों को बताना चाह रहे हैं कि इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है और साल भर के लिए गेहूं की तैयारी हर आदमी करता है। हमारी जो नई पीढ़ी है उसके लिए सुझाव है कि गेहूं को जो है बीन करके, छान करके, सुखा करके और भंडारण करें और पूरे साल भर जब भी ज़रूरत पड़े अपने हिसाब से उसको पिसवाते रहें। हमने इसको बाज़ार से ख़रीदा है, उसकी धुलाई की है, उसको सुखाया है, छाना है, इस तरह से हमने उसको बीना है एक दाने उसमें से, जिसमें से हमने कंकड़ पत्थर भी निकाले हैं और अन्य खरपतवार के दाने निकाले हैं। इस तरीके से हमारा ये गेहूँ पूरा शुद्ध तैयार हो गया। तो ये हमारे जो पुराने लोग हैं पहले से करते आए हैं गेहूँ की तैयारी है, जो हम साल भर के लिए कर लेते हैं। तो हम ये हमारे देखने वालों को ये समझाएं और सीख है कि लॉकडाउन के समय में हम इस तरह से अपने खाने के लिए साल भर के लिए गेहूँ बढ़िया सुखा करके, छान करके, बीन करके भंडारित कर लें, समय समय पर इसको पिसाई कराते रहें। जो हमारी नई पीढ़ी है उसको मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, एक जानकारी देना चाहता हूँ कि गेहूँ का जो आटा है बाज़ार से बिल्कुल ना लें, उसमें कई तरह की कमियाँ रहती हैं और कई तरह के उसमें कंकड़ पत्थर और अन्य प्रकार के अप्रिय दाने जो हैं उसमें पीस दिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। और गेहूं का जो योगदान है हमारे भोजन में लगभग 80% तक माना जाता है, क्योंकि जितनी रोटियां या चावल या सब्जी खाते हैं 80% भाग हमारे रोटी का या गेहूँ का ही रहता है। तो हमारा यही अनाज शुद्ध रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारे देखने वालों के लिए हम ये सुझाव दे रहे हैं कि गेहूँ का भंडारण अपने हाथ से करें, खुद करें, स्वयं करें, नौकरों के ऊपर बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि ये हमारे पेट में जाना है और ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं डॉक्टर दीप सूत्रकार, सहायक संचालक कृषि, छतरपुर, मध्य प्रदेश।